ये 370 दीवार थी, ये मोदी ने आकर के ये 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। मोदी जो गरीबों को मुफ्त इलाज की योजना चलाता है, ये कहते ये भी खत्म कर देंगे। मोदी जो वंदे भारत ट्रेन चालू किया है, बोले वो भी बंद कर देंगे। साथियों, आज मैं सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन से एक और बात जानना चाहता हूं। वे लोग दावा करते हैं कि सत्ता में आए तो धारा 370 आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, ये कश्मीर का चुनाव जीतने के लिए। ये कहते हैं कि धारा 370 हम वापस लाएंगे। ये लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर का ऐसा अपमान किया है। बाबा साहब आंबेडकर संविधान पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया था, लेकिन ये कांग्रेस वालों ने संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं किया। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था, वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था। ये 370 दीवार थी, ये मोदी ने आकर के ये 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। अब ये कहते हैं हम 370 निकालेंगे, क्या 370 निकालने देंगे क्या? ये 370 निकालने देंगे क्या? भाइयों बहनों, वो गड्ढे में से दोबारा 370 निकाल नहीं सकते और न ही देश पर माथे पर मार सकते हैं। वो कह रहे हैं ये मोदी जो मुफ्त राशन दे रहा है, गरीबों का घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी की गारंटी है ये मुफ्त राशन योजना चालू रहेगी, ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हम इस योजना को भी खत्म कर देंगे। मोदी जो गरीबों को मुफ्त इलाज की योजना चलाता है, ये कहते ये भी खत्म कर देंगे। मोदी जो वंदे भारत ट्रेन चालू किया है, बोले वो भी बंद कर देंगे। मैं गोला गोकर्णनाथ की पवित्र भूमि और छोटी काशी की इस धरती से सवाल उठा रहा हूं। सपा कांग्रेस वालों, ये भी बता दो, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे क्या? क्या काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, क्या उस ऊपर भी बुलडोजर चला दोगे क्या?